नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार जगत। धारा 370 के हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार करवा कर कश्मीर की शांति भंग करवाना चाहता है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ करवाने के जवाब में भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में कई आतंकियों एवं पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। भारतीय सैनिकों द्वारा किए ऑपरेशन को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने 3 आतंकी कैंपों के तबाह होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अथमुकम, जूरा, कुंदलशाही में हमने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने घुसपैठ को रोकने के लिए या एक्शन लिया था। उनका कहना है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से पहले घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अभी शांति का माहौल है और पाकिस्तान घुसपैठ करवा के कश्मीर की शांति भंग कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर की ओर खींचना चाहता है ताकि वो बता सके कि कश्मीर में माहौल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने आर्टिलरी गन्स के जरिए पाकिस्तानी कैंपों को टारगेट किया है। आर्मी चीफ ने बताया कि सरकार का हमें पूरा सहयोग है। हम ऐसे किसी भी ऑपरेशन के मामले में राजनीतिक नेतृत्व को लूप में लेकर चलते हैं। नेतृत्व पूरी तरह से हमारी कार्यवाही के साथ है। रिपोर्ट अखबार जगत।